ये दौड़ रेगुलर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोड़ने के बाद से दम फूलने लगता है और फेन से। ये 1600 मीटर दौड़ होने जा रहा है और काफी अच्छे अच्छे भाई आए हुए हैं सब दौड़ने के लिए। और देखो इस ग्राउंड का 5 चक्कर लगाना है, आप लोग अपना स्टॉप वॉच सेट रखना। अब देखते हैं किसका कितना टाइमिंग लगता है। अभी गो हो चुका है, ठीक है ना। और सबसे आगे रुस्तम पासवान चल रहे हैं, जो कि आप लोग नाम तो सुने ही होंगे रुस्तम पासवान का, और बनारस में ये रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, ठीक है ना। और इसी में एक रोहित भारती भाई हैं, जो कि अभी एक भी बार भर्ती नहीं देखे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों से मिलाऊंगा, ठीक है ना, उनसे मैं मिलाऊंगा रेस ख़त्म होने के बाद। अभी देखो रेस का पहला चक्कर है और इस ग्राउंड का अभी 5 चक्कर और मारना है। तो अब देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकेंड आता है और कौन थर्ड आता है। और देखो यार भाई, जो रुस्तम पासवान है उनको तो सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो काफ़ी जगह दौड़ने जाते हैं। लेकिन जो रोहित भारती जी है ना, उनसे भी अभी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। वो एक भी बार भर्ती नहीं देखे हुए हैं, कहीं भी अभी भर्ती देखने नहीं गए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा दौड़ते हैं। और अभी आप लोग देख लेना उनका चौथा स्थान आ रहा है और टाइमिंग कितना लग रहा है। देखो अभी रुस्तम पासवान सबसे आगे हैं और उनके पीछे सभी लोग चल रहे हैं। लेकिन यार आप लोगों को एक बात बता दूं, इसमें जितने भी भाई रनिंग कर रहे हैं ना, जितने लोग भी दौड़ रहे हैं ना, वो सभी लोग अपने आप में अच्छे ही होंगे, तभी यहाँ पर दौड़ रहे हैं भाई। देखो यार, देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन इसमें भाग नहीं लिए हैं, दौड़ नहीं रहे हैं। तो यार इन लोगों से तो बहुत अच्छे हैं ये जो भाई दौड़ रहे हैं सब। तो मिला जुला कर जो अच्छे दौड़ते हैं सभी लोग अपने आप में एक हीरो ही हैं, ठीक है ना। सभी लोगों का टाइमिंग अच्छा ही आता होगा, तभी यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन भाई फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकेंड आ रहा है और कौन थर्ड आ रहा है। अभी तो फिलहाल में ये जो सुगावा कलर का कपड़ा पहने हुए हैं ना, किट पहने हुए हैं, तो ये रुस्तम पासवान है। और इनके पाछे जो एक नीला बंडी टी शर्ट पहने हुए हैं, वो रोहित भारतीय जी हैं। और बाकी ये जो रेड पहने हुए हैं ना, ये सभी भाई, इन लोगों का नाम नहीं पता है, लेकिन ये लोग भी अच्छे रेसर होंगे, क्योंकि आप लोग को पता हो सकता है स्टेप से ही पता चल जाता है भाई। तो अभी देखो रुस्तम पासवान अभी भी आगे हैं और आप लोग राउंड गिनते जाना, ठीक है ना। चौथा चक्कर है, अभी देखो रुस्तम पासवान के आगे कोई भाई चला गया, वो भी सुगावा कलर पाना है, लेकिन देखते हैं कब तक वो भाई टिकता है। अभी देखो रुस्तम पासवान उसको काट चुके हैं, ठीक है ना। और अब फिर से रुस्तम पासवान आगे हो गए हैं और देखते हैं कब तक आगे चलेंगे। आप लोग राउंड गिनते रहना, ठीक है ना, और टाइमिंग भी देखते रहना कितना टाइमिंग लगता है। और देखो यार, ये जितना भी भीड़ लगा हुआ है ना, ये इसमें से भी कुछ लोग दौड़ेंगे, लेकिन 400 मीटर में दौड़ेंगे कुछ भाई, मतलब 3 किलोमीटर में दौड़ेंगे। ऐसे शर्त ये है ना, जो 4 किलोमीटर मतलब किसी गेम में एक में भाग सकता है, एक में दौड़ सकता है, सभी में नहीं दौड़ सकता है, तो ये बात है, ठीक है ना। देखो पहला नंबर पर जो चल रहे हैं वो रुस्तम पासवान है, और दूसरा नंबर पर जो चल रहे हैं वो रोहित भारती हैं, और बाकी बहुत सारे भाई भी पीछे लगे हुए हैं सब। और कुछ भाई बहुत ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, धक्का खाएंगे, चोट लगेगा, जाएंगे और मेहनत करेंगे, फिर से कहीं कंपटीशन में भाग लेंगे तो अच्छा टाइमिंग आएगा, ठीक है ना। देखो अभी भी रुस्तम पासवान पीछे हैं और रोहित भारती उनके पीछे लगे हुए हैं, जो कि रोहित भाई साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और यार रोहित भाई का एक खासियत है, देखो अभी एक भी बार भर्ती नहीं देखे हैं, ठीक है ना, और मतलब ये हमारा वीडियो देखकर ही यहाँ पर दौड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि इनके भाई जो इनको साथ में लेकर आए हुए हैं ना, वो बता रहे थे कि आपका वीडियो देखकर ही आए हुए हैं। तो काफ़ी जुनून है इनके अंदर। और रुस्तम पासवान देखो अभी भी आगे हैं, लेकिन वो भाई रोहित भाई इनके पीछे ही चल रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं भाई, आप लोग देख सकते हो। और स्टेप तो यार काफ़ी ख़तरनाक स्टेप है। अब देखते हैं, ये लास्ट राउंड है, ठीक है ना, ये लास्ट राउंड है भाई। देखो पूरा मतलब लास्ट राउंड ये होने वाला है, देखते हैं मतलब कौन आता है। देखो अभी रुस्तम पासवान को दौड़ाने लगे सब कुछ भाई, मतलब उसको खिंचवाने लगे सब, और उसके पीछे रोहित भाई लगा हुआ है, जो कि रोहित भाई अभी भी हार नहीं माने हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट तक कौन आता है। देखो लास्ट राउंड है, वहाँ से आने के बाद 100 मीटर भागना है, तो अभी पता चल जाएगा। आप लोग टाइमिंग देखते रहना, ठीक है ना, स्टॉप वॉच अगर लगाए होंगे तो टाइमिंग आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। देखो अभी भी रुस्तम पासवान आगे ही चल रहे हैं और उनके ज़्यादा पीछे नहीं है रोहित भाई, आप लोग देख सकते हो। रोहित भाई को तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन आने वाले समय में जान जाएंगे सब, ठीक है ना, ज़्यादा दिन नहीं है, जान जाएंगे सब। देखो रुस्तम पासवान भाई उतना लीड दिया था और रोहित भाई अभी आ रहे हैं, देखो रोहित भाई भी चले गए, ठीक है ना। देखो यार
सब लोगों को पता होगा रुस्तम पासवान सबसे पहला नंबर पर आए हैं और रोहित भाई दूसरा नंबर पर, और बाकी मतलब कुछ भाई और हैं सब जो तीसरा चौथा ऐसे आए हुए हैं सब। अभी रोहित भाई के पास चलते हैं, ठीक है। रुस्तम पासवान जी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक नया चेहरा सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आगे चलकर अभी बहुत कुछ करने वाले हैं भाई। भाई अभी जो 1600 मीटर में दूसरा नंबर पर थे ना, तो यही रोहित भाई थे। और पता है इनका टाइमिंग लगा है 1600 मीटर का 4:41। यार 4:41 में मारना मतलब सबके बस की बात नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं भाई तब जाकर 4:41 में मारे हैं। और अभी भैया खुद बताएंगे अपना एड्रेस, और काफ़ी दूर से आए हैं यार। यहाँ से लगभग आपका कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? 80 किलोमीटर दूर से मतलब चल कर आए हैं सिर्फ दौड़ने के लिए, कंपटीशन में भाग लेने के लिए। और इनका स्थान भी लगा है दूसरा नंबर। तो अभी जितना कुछ भी मिला है आप लोग देख सकते हो, इसमें अभी क्या है, शूज है और मेडल मिला है, ठीक है ना। भैया आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिएगा और किस तरह रनिंग करते हैं ये भी बता दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी भाई हमसे जुड़े हैं सब अपना तैयारी अच्छे से करें सब, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग घटाएँ सब। मेरा भैया रोहित भारती नाम है, मैं बोलूँ अफगान डुमसा भगवानपुर ग्राउंड कुटी से आए हैं। दौड़ प्रतियोगिता देखकर हम यहाँ पे आए हैं, हमारा वीडियो ही देखकर ये आए हैं, वीडियो देखकर आए हैं हम। और जैसे आप अपना कितना किलोमीटर भागते हैं रेगुलर? रेगुलर 3 किलोमीटर भागते हैं हम। कितना साल से जैसे अभी? डेढ़ नहीं, कम से कम 1-1.5 साल हो गया। अभी देखो भाई बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी एक भी बार भर्ती भी नहीं देखे हैं ना, अभी कहीं पर एक भी भर्ती देखने नहीं गए हैं, और यहाँ पर आए हैं। मतलब 4:41 टाइमिंग है भाई, तो आगे बहुत तूफान आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि टाइमिंग से ही पता चल जाता है। और यार ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे भाई हैं सब जो मतलब 5-6 साल से लगे हुए हैं, तो इतना टाइमिंग आता है, लेकिन बहुत अच्छा अभी दौड़ रहे हैं। और मतलब जैसे अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा बोल दीजिए कि मतलब अपना तैयारी कंटिन्यू रखें सब। अभी मान लीजिए अभी भर्ती नहीं देखे हैं, और बहुत सारे भाई हमसे ऐसा जुड़े हैं सब जो कहीं भर्ती देखने नहीं गए हैं सब, लेकिन ऐसा सोचते हैं ना कि यार पहले से क्या करने के लिए दौड़ूं, मतलब जब भर्ती आएगा तभी दौड़ लूँगा, तो ये सोच मतलब कैसा है? नहीं भैया, ये दौड़ रेगुलर रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोड़ने के बाद से दम फूलने लगता है और फेन से गोड़ में ही थी प्रॉब्लम आ जाता है भाई, प्रॉब्लम आ जाता है। और आप लोग देखो यार नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आने वाले समय में बहुत मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जैसे देखने से ही लग रहा है। और रेस तो आप लोग देखे ही हो, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भीड़ था ना, लेकिन जो कुछ भी हुआ है हम लोग यहाँ पर देखे हैं ना, आगे बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और मैं अपने भाई से मिलता रहूँगा, ठीक है ना, अभी इनका नंबर भी मैं लिया हूँ, और जहाँ भी रेस होगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा मुझे पता रहेगा तो मैं ज़रूर अपने भाई से मिलने आऊँगा। चलो ठीक है भाई, अपना तैयारी करते रहो, ठीक है ना, और अपने भाई के लिए कमेंट में ज़रूर दो शब्द लिखना। चलो ठीक है, जय हिंद जय हिंद।